इन दिनों जारी पेरिस 2024 ओलंपिक फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। बता दें कि इस दौरान होने वाला हर खेल और उसमें जीत हार इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इस समय हर दिन अलग अलग देशों से अलग अलग स्पोर्ट में खिलाड़ियों की जीत की खबरें आ रही हैं। किसी भी एथलीट के लिए ओलंपिक मेडल जीतना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर होता है और वे इस पल को जीवन भर संजो कर रखते हैं। लेकिन क्या हो अगर ओलंपिक खत्म होने से पहले ही उनका मेडल अपनी चमक खो दे। जी हाँ, मौजूदा पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रांज मेडल जीतने वाले एक अमेरिकी एथलीट नियाजा हस्टन ने ऐसा ही आरोप लगाया है कि उसे मिला मेडल बेरंग और खराब होने लगा है। पेरिस 2024 में यूएसए स्केटबोर्ड टीम की सदस्य नियाजा ने ओलंपिक पदकों की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। बता दें कि 29 साल के इस खिलाड़ी ने 30 जुलाई को पुरुषों के स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में तीसरे स्थान पर रहकर ब्रांज मेडल जीता था। वहीं यहां जापान के यूटो हरिगोम ने गोल्ड और अमेरिका के जैगर ईटन ने सिल्वर मेडल जीता था। वह इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी सभी अपडेट के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल के साथ।